नमस्कार, मैं हूं नितिन वैद और आपका स्पीड न्यूज़ में फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं जम्मू से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अखनूर पुंछ हाईवे में। हम इस समय अखनूर से तकरीबन 13-14 किलोमीटर ऊपर नॉर्दर्न साइड है, रजौरी की साइड में, टांडा और पामले के बीच में जो कालीधार रेंज है, हम उधर खड़े हैं। और यहाँ पे से मैं गुज़र रहा था तो मैंने देखे अखनूर के जो लोकल आम जो इतने मशहूर हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताया जाए। इस समय मैं एक फूड वेंडर के पास खड़ा हूँ जिनका नाम पवन कुमार जी है। इनके यहाँ पे ये आम बेच रहे हैं, ये अखनूर के लोकल आम हैं, दशहरी आम हैं और बहुत अच्छे और मीठे होते हैं। मैं आते जाते ये खाता रहता हूँ। ये आम की खासियत ये है कि ये बगैर कोई मसाले से पकाए हुए होते हैं, ओरिजिनल यानी ऑर्गेनिक आम है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं पवन कुमार जी से। पवन कुमार जी, ये आम आपके अपने खेत के हैं? सर कुछ खेत के हैं, कुछ खरीदे हैं आपने? अच्छा, थोड़े खरीदे हैं, थोड़े जो है खेत के। तो तकरीबन जो अखनूर में यहाँ मिलता है ये लोकल ही पैदावार? लोकल ही पैदावार। तो ये बगैर उसके मसाले के साथ नहीं पकाते सर, जो मजे होते हैं ना चीड़ के, हाँ जी, इसके साथ तैयार करते हैं, अखबार डालते हैं उसके। अच्छा, तो ये ज़्यादा वैरायटी आपकी दशहरी होती है यहाँ पे या? 3-4 वैरायटी होती है सर। अच्छा, कौन कौन से? बहुत सारे, एक दशहरी हो गया, एक माल्टा हो गया, एक अफ्रीका हो गया, एक लंगड़ा होता है, एक लंगड़ा भी होता है। तो सारे आम मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, अभी लास्ट स्टैंड है ना इसलिए काम है। अच्छा, लास्ट। तो इस बार पैदावार कैसी हुई है आपकी? सर अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत, अच्छा, खरीदार कम है। हाँ। लेकिन ऐसे आम की जो पैदावार है, फसल किस तरह हुई है? फसल भी सर इस बार ठीक कम है इस बार। अच्छा, हाँ, ओवरऑल फसल इस बार आम की थोड़ी कम ही है। पर यहाँ मैं 3-4 साल से लगातार जाता हूँ अपने काम के सिलसिले में, और काफ़ी बार जब आम का सीज़न होता है मेरा ब्रेकफास्ट और इवन लंच जो है यहाँ ही होता है। मैं आम यहाँ से लेता हूँ और 4-5 आम खा के, कि आम जो है वो फलों का राजा है और आम से अच्छा जो है मतलब ब्रेकफास्ट और जो अपना स्नैक वो कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ये थोड़े आपने किया वगैरह भी रखा है, ये भी घर अपना घर में लगाया? ठीक। देखिए जी, कितनी अच्छी बात है कि ये लोकल एकदम फार्मिंग को ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसी से आपको बात करना था, आते जाते अगर आप जाते हैं तो प्लीज़ ये आम ज़रूर खाइएगा, बहुत मीठे आम हैं। और अब मैं भी एक टेस्ट करूँगा आते जाते, अब मेरा भी स्नैक का टाइम हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। नितिन बैच, स्प्रेड न्यूज़, धन्यवाद।